हमेशा शुद्ध ही होता है। कर्ता गुण का परिणमन तो शुद्ध होता है, कर्म का करण संप्रदान उपादान अधिकरण स्वस्वामी संबंधन तो शक्ति इसे जीवन तो चीति दशी ज्ञान सुख भी है प्रभु जो भी शक्तियां आई है उसका परिणमन हमेशा शुद्ध ही होता है। और वो एक अलग बात है। और यहां जो षटकारक की बात की चर्चा आई है वो पर्याय के षटकारक की चर्चा है। द्रव्य में जो ये गुण पड़ा है उसका षटकारक तो शुद्ध ही है और वो तो ऐसा न ऐसा ही रहता है। पर्याय का षटकारक कैसा भी प्रकट होवे, महीन होवे कि शुद्ध होवे, तो भी अंदर का द्रव्य का षटकारक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पर्याय का षटकारक जो प्रकट होता है वो अपनी स्वतंत्र क्षणिक उपादानगत योग्यता से होता है। द्रव्य को बोला जाता है त्रिकाली उपादान, पर्याय का परिणमन को बोला जाता है क्षणिक उपादान और बाह्य में निमितपणा होता है। वो निमितपणा की सापेक्षता से वो क्षणिक उपादान को नहीं निमित बोला जाता और उसको सत से स्वतंत्र अपनी योग्यता से देखे तो उसको क्षणिक उपादान अपनी षटकारक से अपनी पर्याय में जो परिणमन हुआ है वो अपने षटकारक से हुआ है, कोई पर से भी नहीं हुआ है। और सचमुच में देखा जाए तो वास्तविक द्रव्य गुण से भी नहीं हुआ है, ऐसी उसकी क्षणिक उपादानगत योग्यता से षटकारक का परिणमन प्रति समय चलता है। ये तो निश्चय षटकारक की बात है, निरपेक्ष षटकारक की बात है। व्यवहार षटकारक में क्या होता है, व्यवहार षटकारक में पर्याय में जो परिणमन होता है वहां बाह्य कोई न कोई निमित की सापेक्षता लगा के वर्णन आता है, उसको बोला जाता है व्यवहार षटकारक। जैसे कि उसमें तो दृष्टांत वो मिट्टी का और घड़ा का दिया हुआ है, मगर अपन अपनी पर्याय से ही सोचे तो अपनी पर्याय में समझ लो कि राग की प्रगटता हुई, तो राग की प्रगटता तो राग का कर्ता राग है, राग का कर्म भी राग है, राग का करण राग है, राग का संप्रदान राग का अपादान राग का अधिकरण, अपन राग को ही राग से देखे तो राग किसी ने किया नहीं है, वर्त रहा है अपनी पर्याय में, मगर वो राग होने में अपना खुद का षटकारक है। ना उसको द्रव्य ने किया है ना चारित्र मौनी का उद्देश्य हुआ है। पहले में पहले तो ऐसे अपनी पर्याय को निरपेक्ष से देखना चाहिए, ये जो भी परिणमन हो रहा है जितना भी होने वाला है जितना भी हो गया है वो सचमुच में तो अपनी उपादानगत तत्समय की योग्यता से ही होता है, उसको बोला जाता है अपने षटकारक से अपना परिणमन हुआ। उसमें अपन व्यवहार की चर्चा करें तो बाह्य में जब यहां राग की उत्पत्ति होती है तो नियम से बाह्य में वहां उदय में चारित्र मौनी का उदय नियम से होता है, वो उदय होता है इसीलिए यहां राग का परिणमन होता है ऐसा नहीं है, मगर यहां जब होता है तब नियम से वहां ऐसा होता है, उसको बोला जाता है कि चारित्र मौनी का उदय से ये राग का परिणमन हुआ, तो वो एक व्यवहार की अपेक्षा है। और अभिन्न षटकारक की जो बात आती है इसमें जो आया है अभिन्न की बात, इसमें तो केवल ज्ञान के लिए जो बात ली है
मगर जब भी अपनी पर्याय में कोई शुद्धतारूप परिणमन होता है, चाहे तो चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि हो, पांचवा गुणस्थान वाला श्रावक हो, सातवा छठा वाला मुनिराज हो, या तो श्रेणी चढ़ने वाला जीव हो, या तो केवल ज्ञान हो, उसी में जो शुद्धता का परिणमन चलता है, शुरू हुआ है, तो वो शुद्धता का परिणमन ऐसे न ऐसे नहीं होता है। पूर्व पर्याय में मलिनता थी, वर्तमान पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई, तो वो पर्याय में कुछ फार फेर हुआ है। माने कि पहले पूर्व पर्याय में क्या था कि अपनी स्वयं की शक्ति से पर संग एव होके ऊपर की संमुक्तता से परिणम था, और उसको पता चला कि पर संग एव से मेरी पर्याय में तो दुख उत्पन्न होता है, मेरी पर्याय में तो आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है। तब उससे पता चलता है कि मेरा आनंद तो मेरे में है, मेरा सुख मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरे में है, तो उसकी परिणमन की करवट बदल जाती है। वो परिणाम खुद स्वयं ऐसा सूर पे उठता है कि मैं तो एक चैतन्य शाश्वत तत्व हूं, मैं तो एक नायक भाव हूं, मैं तो एक त्रिकाणी शुद्ध परमात्मा हूं। तो उसी समय वो पर्याय में निर्मलता रूप परिणमन शुरू हो जाता है। वो निर्मलता रूप परिणमन होता है, वो पर्याय और द्रव्य, वो पर्याय का द्रव्य की सम्मुख परिणमन हुआ है। परिणमन हुआ है तो वो निर्मित दशा के काल में उसको कोई प्रकार का भेद विकल्प नहीं रहता है और अभेद परिणमन हो जाता है। उसको बोला जाता है कि ये अभिन्न से ऐसा परिणमन हुआ, उसको परिणामी द्रव्य भी बोला जाता है, भेद विकल्प छूट गया ऐसा भी बोला जाता है, अभेद अनुभूति हो गई, द्रव्य पर्याय का भेद छूट गया, ये सब बातें अभिन्न की होती है। अभी ऐसा करने के लिए, ऐसा परिणमन होने के लिए मिथ्या दर्शन की भूमिका है, उसमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे निर्णय करना चाहिए, कैसे अपना ये दुखरूप परिणमन चला जाए और सुखरूप परिणमन की प्राप्ति अपने को हो जाए, उसके लिए कैसे अपने तत्व को समझना, द्रव्य गुण पर्याय की समझ कैसे करना, पर्याय का भी यथार्थ स्वरूप जो जीव समझ लेता है, पर्याय को छोड़ने से नहीं, पर्याय को दूर करने से नहीं, पर्याय का यथार्थ स्वरूप अगर समझ लेता है, उसी को बोला जाता है कि इसको पर्याय दृष्टि अभी छूटने वाली है। जिसको पता चल जाए कि मेरी पर्याय का स्वरूप ऐसा है, मेरी पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी पर्याय से ही हो रहा है, उसमें मेरा द्रव्य का कुछ कर्तापना कुछ भोक्तापना है ही नहीं, मेरा द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्यमय अनादि अनंत अखंड एक तत्व ध्रुव तत्व है, वो ना तो कभी मेरा परिणाम में आया है और ना परिणाम मेरा कभी उसमें घुसा है। ऐसी उसको पृथकता पता चल जाती है और उसको पता चलता है कि ये जो भी पर्याय में परिणमन चल रहा है वो मेरे से ही परिणमन चल रहा है, वो पर्याय मेरी ही है, ये मेरा ही परिणमन है, ये दुख भी मेरा है, क्योंकि वो दुख जाएगा, पूर्व पर्याय में दुख था, उत्तर पर्याय में सुख आया, तो वो सुख भी अपन कहेंगे मेरा है, तो पूर्व पर्याय का दुख भी मेरा ही है, तो पुद्गल का नहीं है।
ऐसा जिसको विवेक उत्पन्न होता है, इस तरीके से जब उसका ज्ञान काम करने लगता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप को यथार्थ समझकर, पर्याय की सटकारकता समझकर, पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी समझकर, पर से पर्याय में कुछ नहीं होता है, द्रव्य से भी सचमुच में पर्याय में कुछ नहीं होता है, पर्याय का परिणमन सत और स्वतंत्र है, अपने सटकारक से ही होता है, पर्याय का कर्ता, पर्याय का कर्म, पर्याय का करण, संप्रदान उपादान अधिकरण सब पर्याय का पर्याय में है, उसमें कुछ फेरफार कोई कर ही नहीं सकता है, और एक ही पर्याय अनंत गुण की अनंत पर्याय है। जैसे ज्ञान की पर्याय ले ले, श्रद्धा की पर्याय ले ले, चारित्र की पर्याय ले ले, वो एक एक पर्याय में ये सटकारक छह सटकारक वर्तते रहते हैं। ज्ञान की पर्याय में कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण है, श्रद्धा की पर्याय में है, चारित्र की पर्याय में है, और एक गुण की पर्याय उसका सटकारक दूसरे गुण की पर्याय से पृथक पृथक है, क्योंकि गुण की पर्याय ही पृथक पृथक है, इसलिए एक पर्याय से दूसरी पर्याय को निमित नैमित्तिक संबंध का व्यवहार तो अपन खड़ा कर सकते हैं, कारण कार्य कहते हैं तो भी वो व्यवहार हो जाता है, क्योंकि सभी पर्याय में प्रकट होने की खुद की अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य है। श्रद्धा की पर्याय को जब ज्ञान विषय देता है तब श्रद्धा की पर्याय अहम नायक में करती है, ये व्यवहार से कहने की पद्धति है, और जब श्रद्धा में नायक को ऐसा अहम करती है तब सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ये भी श्रद्धा के कारण ज्ञान हुआ, ये भी सचमुच में व्यवहार है। ज्ञान की पर्याय अपने स्वतंत्र स्वयं सटकारक से उत्पन्न हुई है, श्रद्धा की पर्याय भी अपने स्वयं सटकारक से उत्पन्न हुई है, ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय अपने स्वतंत्र स्वयं सटकारक से प्रकट होती है, उसका कोई कर्ता सचमुच में नहीं है, पर्याय का कर्ता वास्तव में पर्याय ही है, ऐसा निर्णय उसको आ जाए, ऐसा उसको पता चल जाए कि सचमुच मैं तो कब से सोचता हूं कि मेरी पर्याय का परिणमन शुद्ध रूप से हो जाए, कितना पुरुषार्थ करता हूं, कितना लवलीन नायक में होने के लिए मैं तत्पर हूं, मगर फिर भी ये पर्याय जवाब नहीं देती है, तो उसी समय ये सिद्धांत लागू पड़ता है कि पर्याय का सटकारक पर्याय में है, पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण सब पर्याय का पर्याय में है, उसमें कोई फेरफार करने की किसी की आवश्यकता नहीं है, जब उसका सटकारक का परिणमन होने वाला है तब ही होगा, वो सटकारक अंदर पड़े है, वो एक एक सटकारक अपने से स्वतंत्र है। जी गुरुदेव श्री ने बोला एक ही पर्याय में छह सटकारक है, मगर कभी कभी वो भी विचार आता है कि वो छह ही भी अपने अपने से स्वतंत्र है, इतनी गहनता की सोच अपने कान पर तो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आती है, मगर अपना ज्ञान जो है ना वो इतने स्थूल विषयों में रमत करता है कि ऐसी ऐसी बातें, ये सटकारक की बात इतनी प्रयोजनभूत है, इतनी सूक्ष्म है, और इसका फल इतना बड़ा है, अगर ये जीव को स्वतंत्र सटकारक, व्यवहार सटकारक और अभिन्न सटकारक ये तीनों समझना चाहिए, कोई एक सटकारक का निरपेक्षता का पता चल जाए
तो कोई व्यवहार षटकारक है ही नहीं ऐसा भी नहीं है, और अभिन्न षटकारक नहीं है ऐसा भी नहीं है। जब जब पर्याय में परिणमन सुदरूप होता है तो नियम से उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान अनंत गुण की अनंत पर्याय नायक में समर्पित होती है, उसी को बोला जाता है उसकी अभिन्नता। तब वहां अंदर के शुद्ध जो षटकारक है, द्रव्य के षटकारक है और पर्याय के परिणाम के षटकारक है, उसी समय भी वो षटकारक दोनों एक में नहीं होते हैं। पर्याय का निर्विकल्प दशा में भी उत्पाद भी चालू रहता है, जितने समय तक निर्विकल्प दशा चलती है असंख्य समय तक, तब तक उत्पाद में भी चालू ही है समय 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 पर। तो वहां वो उत्पाद में पर्याय का षटकारक स्वतंत्र काम करता है और ध्रुव षटकारक ध्रुवपणे अंदर में रहता है। ऐसा होवे दोनों षटकारक अपनी अपनी जगह स्वतंत्र होवे तभी तो अनुभूति उत्पन्न होती है, मगर अनुभूति के टाइम में ऐसा भेद विकल्प नहीं होता है। द्रव्य पर्याय का भेद रहता है, भेद विकल्प छूट जाता है। भेद तो भेद रूप है ही, उसमें कोई ऐसा अभेदपना अभिन्नपना नहीं, एकमेकता नहीं होती है। अभिन्न बोले अभेद बोले फिर भी वो कथनचित अभिन्नता है, वो एकमेकता नहीं है। ऐसा निर्णय षटकारक का अपने को अपने ज्ञान में यथार्थतया करना चाहिए। ये जो निश्चय षटकारक की बात और व्यवहार षटकारक की बात है, इसके लिए इसमें दृष्टांत से समझाया है, और केवल ज्ञान की बात के लिए तो सदुपयोग से सुधात्मा की उपलब्धि होती है, वो बात इसमें सिद्ध की गई है। इसमें बहुत बिंदु गुरुदेव ने भी दिए हैं, वो थोड़ा मैं पढ़ के आपको थोड़ा बता रहा हूं। वो बोला ना कि उसमें वहां ये पर्याय है, ये पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य में पर्याय अवेल हो गई है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता। वो विकल्प छूट जाता है, उसी को ही निर्विकल्पता बोलते हैं। निर्विकल्पता का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक हो जाते हैं। भेद तो रहता ही है, भेद का विकल्प छूटता है। गुरुदेव का प्रवचन में ये सब बातें आई है और अपने को भी समझ में आता है ना। वो तो द्रव्य की सत्ता अलग है, पर्याय की भी सत्ता अलग है, धर्मी और धर्म दोनों पृथक पृथक है, एक में उत्पाद भी है एक में ध्रुवता भरी हुई है, तो वो दोनों एक में तो कैसे हो जाए। भेद विकल्प जो चलता था कि ये पर्याय में ऐसा षटकारक से परिणमन हो रहा है, ये पर्याय अभी द्रव्य की सन्मुख जा रही है, ये पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य कर लिया, अभी मेरे को अनुभूति होने वाली है, वो सब जो अनुभूति के पहले विकल्प चलते हैं, वो विकल्प विराम हो जाते हैं। वो द्रव्य पर्याय को जैसे है वैसे ही रहती है, द्रव्य पर्याय में से किसी को अपने को नहीं निकालना है। पर्याय पर्याय रूप पर्याय में रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप द्रव्य में रहता है, मात्र विकल्प छूटता है। पर्याय में अंदर विकल्प नहीं आया है, द्रव्य में तो विकल्प है ही नहीं, वो तो निर्विकल्प है। पर्याय में जो विचार रूप धारा चलती है उसको निर्विकल्प दशा के पहले बोला जाता है विकल्प। तो वो विकल्प ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, मैं उसका लक्ष्य करती हूं, मेरे को सुखी होना है, मेरे में दुख है, ये सब जो विकल्प चलता है ना, वो विकल्प चला जाता है।
पर्याय तो जैसी है वैसी ही है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है ज्ञान की बदले। जब तक ज्ञानात्मक विकल्प चलते हैं तो वो विकल्प छूट जाते हैं अभेद अनुभूति, उसी को बोला जाता है कि इसको अतिक्रिय आनंद की उत्पत्ति हो गई। ज्ञान का कार्य तो जानना है, ज्ञान में कोई ऐसा बोला जावे ना कि ज्ञान का अज्ञानत्व हो गया और अभी ज्ञान का ज्ञानत्व हो गया। 92-93 गाथा में आता है कि ज्ञान का अज्ञानत्व हो जाता है जो पर को अपने रूप मानता है और अपने को पर रूप मानता है। राग द्वेष मोह आदि तो पुद्गल का स्वाद है, ज्ञान तो आत्मा से अभिन्न है और राग द्वेष मोह तो पुद्गल से अनन्य है, अभिन्न है। वो ऐसा जो नहीं मानता है उसको ज्ञान का अज्ञानत्व हो जाता है, और ऐसा दोनों का भेद जिसको समझ में आता है कि राग द्वेष मोह तो पुद्गल से अनन्य है और मेरा ज्ञान तो ज्ञायक से अनन्य है, ऐसा जिसको पता चल जाता है उसको ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान का अज्ञानत्व और ज्ञान का ज्ञानत्व वो समयवर्ती परिणमन है, वो अनादि से चला आता है धारावाहिक। उसका मतलब नहीं है कि कोई अंदर में अज्ञान का स्टॉक है द्रव्य में, एक समय की प्रकट होती हुई पर्याय अपनी योग्यता से अपना अभिप्राय सही नहीं होने से वो ज्ञान का प्रति समय अज्ञानत्व तो बोला जाता है, और जब अपना अभिप्राय फिर जाता है कि मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक बस रहा है, मेरे ज्ञान में राग द्वेष मोह तो है ही नहीं, वो तो पुद्गल की संपत्ति है, मेरे संपत्ति तो ज्ञान है और ज्ञायक मेरी संपत्ति है, ऐसा उसको भेद ज्ञान हो जाए, ऐसा उसको पता चल जाए, ऐसा अभिप्राय उसका प्रकट रूप हो जाए, तो उसी को बोला जाता है कि ये ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ज्ञान तो जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है और वो ज्ञान कभी ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं है, कभी राग रूप होता ही नहीं है, इसीलिए उसको राग से हटाने का प्रयत्न नहीं करना है, राग को भी दूर करने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि राग तो दूर ही है और ज्ञान अपनी सत्ता में बैठा है और ज्ञान ने कभी ज्ञायक को छोड़ा नहीं है। ऐसा विवेक की जागृति जो जीव को होती है उसका अभिप्राय स्वयं फिरता है, और वो अभिप्राय फिरता है तो वो अभिप्राय फिरने से उसकी दृष्टि द्रव्य पर जाती है, और द्रव्य पर दृष्टि जाती है उसी समय वो ज्ञान था उसका अज्ञानत्व दूर होके ज्ञानत्व प्रकट हो जाता है, उसको बोला जाता है सम्यक ज्ञान, और दृष्टि को बोला जाता है सम्यक दर्शन। विधि इतनी है, निर्णय अपने को करना है, षटकारक से भी अपने को सोचना है, राग द्वेष मोह बहिर्लक्षी पर्याय में चलते हैं उसका अस्वीकार करना नहीं है, ज्ञान में राग द्वेष मोह आया नहीं है वो स्वीकृति होनी चाहिए, ज्ञान दायक से छूटा नहीं है ये अबाधित सिद्धांत है, ऐसा निर्णय करना है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। सभी वस्तु को साथ में रखते हैं, ज्ञायक ज्ञायक में है, ज्ञान ज्ञान में है, राग द्वेष मोह राग द्वेष में मोह में है और पुद्गल पुद्गल में है। पुद्गल में उदय भी आता है, यहां राग द्वेष मोह की पर्याय प्रकट भी होती है, ज्ञान यहां उसको जान भी लेता है और ज्ञायक तो स्वयं जाननहार है। ये सब अलग अलग विभाग है, अपन उसकी मिलावट करके बैठे हुए हैं, अलग अलग सोचे इसको, ज्ञायक तो ज्ञायक रूप है,
ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, और राग द्वेष मोह तो बहिर्लक्ष से होता है, और बाह्य में निमित्त बने कर्म का उदय मौजूद है, इसलिए राग द्वेष मोह की उत्पत्ति है, तो वहां कर्म का उदय है। यहां ऐसा विभाग जिसको पता चल गया, ये चारों चीज रखना, किसी को अपन इसमें से निकाल नहीं सकते। अभिप्राय कहां चलता है बस, इसकी बहुत कीमत है। सब अपने अपने में है, कोई एक दूसरे को मिला जुला नहीं है। ज्ञान प्रगट है, उसका लक्षण जानना, वो सब जानता है बराबर, वो जान के निर्णय करता है वो बराबर। ज्ञायक कहां है, ज्ञान मेरा कहां चल रहा है, मेरा ज्ञान में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, और जो प्रतिबिंबित राग द्वेष मोह हो रहा है वो किसके निमित्त से अभी प्रकट हो रहे हैं, और वो प्रकट हो रहे हैं, और मेरा ज्ञान का जानना चालू है, और मेरा ज्ञान का प्रवाह ज्ञायक में से आता है, और मेरा ज्ञान में ज्ञायक ही हूं ऐसा जानना भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से चल भी रहा है, फिर भी मेरा जब तक अभिप्राय नहीं बदले, अभिप्राय में ऐसी नायक भाव की स्वीकृति नहीं आवे, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं शुद्ध अखंड तत्व हूं, मैं नित्य निरंजन देव हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, मैं शाश्वत परमात्मा हूं, मैं ध्रुव सत्ता मेरी है, मेरी अखंड सत्ता है, मेरी अभेद सत्ता है, उसमें कभी खंड हुआ नहीं है, उसमें कभी भेद हुआ नहीं है, उसमें कभी कोई पर्याय का प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसा पारिणामी भाव, निरपेक्ष भाव, अनादि अनंत भाव, चैतन्य सत्ता रूप भाव, ऐसा मेरा स्वभाव अभी ऐसा ने ऐसा रह गया है, इतना भी परिणमन राग द्वेष मोह का हो गया, ज्ञान में परिणमन चलता है, मिथ्यात्व भी चलता है, फिर भी मेरी सत्ता में कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा ज्ञायक ज्ञान राग द्वेष मोह और कर्म की सत्ता, ऐसा बराबर यथार्थ रूप से इनको समझ के, जिसका अभिप्राय में शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं उधर चलता है, तो उसका अभिप्राय क्षण भर में फिरने की संकेता है। सब निर्णय को बराबर होना चाहिए, निर्णय के बिना अभिप्राय कभी फिरता नहीं है। अभिप्राय तो अपने हाथ में है ना, हाँ अभिप्राय तो अपन कर सकते हैं, निर्णय करके अभिप्राय तो अपन कर सकते हैं, श्रद्धा तो अपनी, दृष्टि तो अपने हाथ में है ना, निर्णय हो गया तो जैसा निर्णय होता है ऐसा अभिप्राय तो हो सकता है ना, वो दोनों अपने अपने में है, मगर ज्ञान में निर्णय होता है तो अभिप्राय फिरने के लिए शुरुआत उसकी हो ही जाती है। मूल में तो कीमत ज्ञान की है, मगर ज्ञान में निर्णय हुआ बाद भी अभिप्राय नहीं फिरे तो उसमें नहीं, उसमें ज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। निर्णय हो गया, निर्णय तो होता है ना, बहुत जीवों को होता है, ऐसा नहीं है, निर्णय बहुत काल चलता भी है, मगर अभिप्राय नहीं फिरता, श्रद्धा जमती नहीं है द्रव्य में, दृष्टि अहम नहीं कर सकती है अकेले एक द्रव्य में, दृष्टि का विषय जो दृष्टि को मिलना चाहिए वो जब तक नहीं मिले तो दृष्टि सम्यक कहां से होवे। अभी ज्ञान को चाहिए सुख, ज्ञान को जरूरत है सुख की, अभी वो खोज रहा है सुख को, अपन उसको सुख के पास जाने ही नहीं देते हैं, अपन उसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं, उसको सुख चाहिए अभी, वो सुख के लिए तड़प रहा है ना, सुख अपने पास में है, सुख का रस अंदर बह रहा है, वो सुख भरा पड़ा है अंदर में, वो अनादि से ज्ञायक भाव दर्शन दे रहा है,
ज्ञान दर्शन ले रहा है मगर ऐसी श्रद्धा नहीं होती उसमें, ऐसी प्रतीति नहीं आती। ऐसी प्रतीति आ जाए तो ज्ञान को सुख मिल जाए जो अनादि से वो ढूंढ रहा है, उसको ज्ञान को कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं कोई भी विषय में अपन जाने देते हैं उसको, जैसा प्रकट होता है ना तो वो कहीं न कहीं बाह्य विषयों का आलम्बन लेके ही प्रवृत्तिशील चलता है, तो उसी समय वो भावित्री बन जाती है, इंद्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता है। उसको जो विषय उसका है वो उस विषय उसको मिलना चाहिए मगर वो विषय अपन उसको देते नहीं है और अपन उसको बाहर घुमा रहे हैं उसको, इसलिए प्रतीति नहीं होती है। इसमें ऐसा है, श्रद्धा का काम और ज्ञान का काम वैसे संयुक्त चलता है, इसे कोई बार श्रद्धा की भाषा ज्ञान से भी होती है और कोई बार ज्ञान की भाषा श्रद्धा से भी चलती है, ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई विभाव होता है, वो तो अपने अपने ऊपर है, अपने को समझना कि अपना ज्ञान कहाँ काम कर रहा है, इसमें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं होता। अपनी बात तो चलती है कि अपने ज्ञान को अपन बाहर गिरा रहे हैं ना, तो उसको अपना जहां सुख है ना वहां अपने को ले जाना चाहिए, उसको अपन वहां ले जाएंगे ना तो दृष्टि तुरंत काम करने लगेगी, छोड़ा नहीं है ज्ञान ने इतना, फिर भी प्रति समय ज्ञान बहिर्मुखी हो रहा है, प्रति समय वही तो गजब की चीज हो जाती है। ज्ञान कभी नायक को छोड़ता भी नहीं है और ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से उसका बहिर्मुखपना भी अभी छूटा नहीं, वो भी बताया ना द्विरूपता, वो स्वपर प्रकाशक कहो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार कहो उसकी द्विरूपता कहो जो भी कहो एक ही एकार्थ बात है, स्वपर प्रकाशक पड़ा अखंड होने पर भी ज्ञान ने नायक को छोड़ा नहीं होने पर भी उसकी सम्यक प्रकार से ग्रहण का भी नायक ही नहीं हुई है, ये सब निर्णय यथार्थ जीव को होवे तो प्रतीति होने में कुछ भी देर नहीं लगती है। और पहले से पहले तो मैं रागी द्वेषी मोही हूं, मेरा बहिर्लक्षी परिणमनी चल रहा है, मैं संसारी हूं, मेरा तो कब भव का अंत आ जाएगा, इस तरीके की सोच को पहले पहले में पहले निकाल देनी चाहिए। अभी कौन गुरुदेव का शिष्य को पता नहीं है कि राग द्वेष को मेरी पर्याय में चल रहा है, सबको पता है, इसका कोई नकार थोड़ी करते, कोई ऐसा नहीं बोलते मैं वितरागी हो गया, तो वितरागी राग द्वेष मोह की बात जो करता है उसी को ही पता है कि राग द्वेष मोह है, ज्ञान और ज्ञायक की बात करने वाले को क्या पता नहीं होता है कि राग द्वेष मोह बहिर्लक्षी पर्याय में चल रहा है, उसको पहले पता होता है, इसीलिए वो ये बात मुख्यता करते हैं कि अभी ये बात पता चल गई ने तो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं होगी, मेरा ज्ञायक भाव शत्रु ऐसा ने ऐसा अनादि से रह गया है और मेरा ज्ञान ने अनादि से वो जाननहार जानने में आ ही रहा है, मेरे को सचमुच में ज्ञायक के सिवा कुछ जानने में आ ही नहीं रहा है, ऐसा मेरा ज्ञान प्रति समय क्रियाशील होके परिणमन कर रहा है, ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भाव गोपाल सबको अनुभव में वर्तमान में आ रहा है, जानने में आ रहा है, उपयोग में उपयोग ही है, ज्ञान क्रिया ने कभी अपने स्वभाव को छोड़ा ही नहीं है,
चेतना लक्षण से जीव अपने जीव को ही जानता है, ऐसा होने पर भी स्वीकार क्यों नहीं आवे जीव को? अब भी स्वीकार आ सकता है क्योंकि परिणमन चल रहा है, ऐसा उसको परिणमन कुछ करना हो नया तब तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े उसमें, ऐसी व्यवस्था तो मौजूद है अभी इसी काल में सबको, बाल गोपाल सबको खुद स्वयं सदा का एक भी समय का विक्षेप के बिना उसकी एक समय की उपयोग रूप ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। जहां जीव है कोई भी जीव हो वहां ज्ञान है और वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ऐसा स्वभाव का पता चले, ऐसी दृष्टि जम जाए उधर कि मैं तो ज्ञानमय परमात्मा, मैं तो ज्ञायक देव, मैं तो अभेद तत्व हूं, मैं तो सुरक्षित तत्व हूं, मैं तो अखंड परमात्मा हूं, मैं तो जागृत देव, ऐसा उसको पता चल जाए तो ऐसा विकल्प भी लंबे टाइम तक नहीं चलता। ऐसी ज्ञान और ज्ञायक की चर्चा है, सभी मोक्षार्थी जीव है यहां पे, तो गुरुदेव और सोगानी जी तो बोलते थे ये सब मोक्ष की मंडली है, अभी जीव अभवी जीव तो ये मार्ग में आता नहीं है, सभी भवी जीव है। तो ऐसी ऐसी जो मूल बातें हैं ना उसको ग्रहण करके उसे उसके पीछे पड़ना चाहिए। शास्त्र सब है, ये कोई पंच परमागम है, आचार्य भगवान के शास्त्र है, जिनागम है, उसका कोई निषेध करने वाली बात नहीं है, ऐसा मत सोचो। आगम का और गुरुदेव की वाणी का स्वाध्याय तो सब जीव को होता ही है, और नहीं होता है तो करना चाहिए, और वो नहीं करता है तो इसमें इसका प्रवेश की भी शक्यता नहीं है। मगर वो सब समझ के फिर मूल बात प्रयोजनभूत कहां है उसके केंद्र बिंदु पे अपने को आना चाहिए। सब बात समझ के सब ज्ञान करके यथार्थ निर्णय ज्ञान में होना चाहिए। अभी यथार्थ निर्णय स्वभाव का और स्वरूप का नहीं होगा और बहिर्लक्षी परिणमन में राग द्वेष मोह की चर्चा करते रहेंगे अपन, और उसी पे अपना लक्ष्य जाएगा कि ये क्यों कम नहीं हो रहा है, ये क्यों छूट नहीं रहा है, ये कब जाएगा, मैं इसको देखता हूं तो ये तो बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये कम भी नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि वो जानने में तो ज्ञान में आता है और वो ज्ञान में तो ज्ञायक बस रहा है, उसकी उसको श्रद्धा नहीं हो रही है, ऐसे वहां जाना चाहिए उसको। वो जानने में आ रहे उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो नहीं जाने तो भी जानने में आएगा, वो तो उसकी सत्ता से उसका ज्ञेयत्व प्रमेयत्व तो प्रदर्शित हो ही रहा है, उसको अपन निकाल नहीं सकते, मगर अपना अभिप्राय अपन फिरा सकते हैं, अपना अभिप्राय में और ज्ञान में निर्णय कर सकते हैं अपन कि मैं कौन हूं, मेरी सत्ता कहां है, मेरा सुख कहां है, मेरा ज्ञान कहां है, मेरा आनंद कहां है, ऐसा तो अपन निर्णय कर सकते हैं। ऐसा निर्णय करने का मुझे गुरुदेव श्री ने अपने को बताया है और सभी भवी जीव अपना नायक भाव और नान स्वभाव का ऐसा निर्णय करके मुझे गुरुदेव श्री ने जो मार्ग बतलाया है वो मार्ग पे चल के मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को भरे, ऐसी मंगल का